नमस्कार, खबर दिनभर में शाम 6 बजे की खबर के साथ मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन शहर के ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। संकल्प 2018 के नाम पर आयोजित इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को बुलाकर मजबूत होने की बात कही। हालांकि यहां पर एक बात जरूर सामने आई कि सत्ता से इतने सालों से विमुख होने के बावजूद अभी भी कांग्रेस नेताओं का गुरूर सर चढ़कर बोल रहा है। दरअसल यहां पर आए हुए पूर्व मंत्री और संभागीय समन्वयक महेंद्र बौद्ध से मीडिया कर्मियों ने जब उनका परिचय पूछा तो वे झल्ला उठे और उन्होंने कहा कि जब आपको मेरा परिचय पता नहीं है तो फिर बाइट लेने से क्या मतलब। यानी कि आज भी जब इतने वर्ष गुजर जाने के बाद सत्ता से दूर हैं और कांग्रेस की हालत खराब है, तब भी गुरूर सर चढ़कर बोल रहा है और इस तरह की बातें की जा रही हैं। बाद में महेंद्र बौद्ध ने कहा कि चलिए सबसे पहले आपको हम परिचय दिए देते हैं, उसके बाद फिर उन्होंने अपना नाम बताया और अपनी बात रखनी शुरू की। हालांकि बीच में एक बार फिर वे झल्लाए से और मीडिया कर्मियों से कहा कि उन्हें शायद सवाल पूछना नहीं आता। इस तरीके से कांग्रेस के आला नेता अभी भी गुरूर में हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ना तो संगठित होती दिख रही है और आगे आने वाला भविष्य अगर इन्हीं नेताओं के कंधों पर रहा तो कांग्रेस के हाल और भी बुरे हो सकते हैं। कार्यक्रम के मौके पर पूर्व मंत्री महेंद्र बौद्ध के अलावा AICC समन्वयक राहुल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज त्रिवेदी, राजनगर विधायक विक्रम सिंह, पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आलोक चतुर्वेदी और प्रदेश मंत्री चंद्रकांत द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित रहे। यहाँ पर किस तरह का सम्मेलन चल रहा है? बता दें, मैं बहुत किस तरह का आयोजन है? AICC के माध्यम से यहाँ पर जो चलाया जा रहा है उसके माध्यम से क्या प्राथमिकता रहेंगी 2018? अभी हम लोग सेक्टर, मंडलम और ब्लॉक कमेटियों का गठन करने के लिए विभिन्न समुदाय के लोगों के नाम की राय लेने का प्रशासन के साथ उत्तर पूर्व के जिले के सभी लोगों से हम लोग चर्चा करेंगे। किस तरह की बात है सम्मेलन में सामने पूरे कार्यकर्ता यहाँ पर खुलकर बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने ये सोचा है कि हम एक प्रत्येक विधानसभा में 3 ब्लॉक रखेंगे, प्रत्येक ब्लॉकों में 3 मंडल रखेंगे और प्रत्येक मंडल में 10 सेक्टर रखेंगे, जिससे हमारे कार्यकर्ताओं का विभाजन भी होगा, उनको मान सम्मान भी मिलेगा और हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल पर मजबूत होगा। इसी के तारतम्य में आज इसे आयोजन किया गया है जिसका नाम हम लोगों ने संकल्प लिया। हालांकि कार्यक्रम के दौरान मंच पर बोलने को लेकर भी कुछ विवाद सामने आया था जिसे तत्काल ही दबा दिया गया।